मैं हूँ आपके साथ में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अगर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की वापसी होना तय मानी जा रही है। देखिए यहाँ पर बता दें कि एक वक्त में यहाँ उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनसे ये पद छीन लिया गया था। यहाँ एकनाथ शिंदे ने उनसे बगावत कर धोखा देकर और विधायकों को अपनी तरफ लाकर यहाँ उद्धव ठाकरे का पद छीन लिया था। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, अटकलें लगाई जा रही हैं कि उद्धव ठाकरे दोबारा से वापसी कर सकते हैं और यहाँ पर महाराष्ट्र की सत्ता को संभाल सकते हैं। कारण अगर आपको बता दें कि यहाँ एकनाथ शिंदे की कमियों को देख कर ये तय माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र की कमान संभालेंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो चुनाव आयोग की तरफ से जो फैसला आने वाला है उसको देखकर भी यही अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यहाँ शिवसेना सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के हाथ में आएगी। और इसके बाद आपको बता दें कि जब शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथ में आएगी तो एकनाथ शिंदे के पास यहाँ पर विधायकों के अलावा कुछ और नहीं बचेगा। लेकिन आप यहाँ पर ये सोचिए कि सिर्फ उनके पास विधायक होने से क्या शिवसेना उनके हाथ में थमा दी जाएगी? क्या वो शिवसेना का इतना ख्याल रख पाएंगे? जिस इंसान ने शिवसेना को दो गुटों में बांट दिया, क्या वो शिवसेना और महाराष्ट्र की जनता का ख्याल रख पाएंगे या नहीं? लेकिन अगर आपको यहाँ पर बता दें कि दोबारा से उद्धव ठाकरे की वापसी होती है तो यहाँ पर बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बीजेपी ने जिस रणनीति के साथ यहाँ पर एकनाथ शिंदे को कुर्सी दी थी, उस रणनीति को अब कहीं ना कहीं खत्म कर दिया जाएगा। और देखते ये है कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे या उनसे भी यह पद छीना जाएगा, क्योंकि जब एकनाथ शिंदे ही नहीं रहेंगे तो फिर देवेंद्र फडणवीस यहाँ कैसे रहेंगे? ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहाँ पर उद्धव ठाकरे की वापसी होने से क्या यहाँ आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे और रश्मि ठाकरे उन पर क्या बीतती है। यहाँ पर आपको बता दें कि क्या एकनाथ शिंदे उस वक्त जब वो अकेले पड़ जाएंगे क्या वो उद्धव के साथ मिलेंगे या फिर वो बीजेपी में पूरी तरीके से शामिल हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने अगर एकनाथ शिंदे को कुर्सी दी है तो उस दौरान बताया जा रहा है कि इसके पीछे की कोई जरूर चाल है, जिस वजह से यहाँ पर एकनाथ शिंदे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। ऐसी तमाम खबरों के जुड़े रहिएगा SPN9 न्यूज के साथ। और आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।